का महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली, साथ में ही केंद्रीय कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति सहित अन्य 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स का ताजा आदेश, साथ में ही केंद्रीय कर्मचारी करेंगे इस दिन बड़ी हड़ताल। जी हाँ दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण और फायदेमंद जानकारी सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का एक बड़ा संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के द्वारा एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है। और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों के 14 सूत्रीय मांगों को लेकर देश भर में केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा 23 फरवरी और 24 फरवरी 2020 को 2 दिनीय यानी 2 दिन का धरना प्रदर्शन और हड़ताल यहाँ पर किया जाएगा। तो कौन कौन सी मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की इन 14 सूत्रीय मांगों के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, जैसे कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि 23 और 24 फरवरी 2020 को केंद्रीय कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों के द्वारा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की विभिन्न मांगों को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो अब यहाँ पर जान लेते हैं कौन कौन सी मांगें हैं जिनको लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो सबसे पहली और बड़ी मांग यहाँ पर है कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो रोका गया महंगाई भत्ता है जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का, उसका भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों को किया जाए, यानी कि 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों को किया जाए। ये पहली और बड़ी मांग। उसके बाद में दूसरी मांग यहाँ पर है कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में सरकारी नौकरी में आए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस को खत्म कर उसकी जगह पर पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए, जिसमें एक केंद्रीय कर्मचारी को कम से कम रिटायरमेंट के बाद उसकी पे का 50% पेंशन के रूप में भुगतान किया जाए। तो ये दूसरी और बड़ी मांग। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी मांग यहाँ पर है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन रूल्स 1974 के रूल 48 और फंडामेंटल रूल 56J के तहत जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति दी जा रही है उस नियम को वापस लिया जाए, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से ये फैसला एक तरफा है जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारी प्रभावित तो होने वाले हैं। इसके अलावा जो सरकार का एंटी वर्कर रवैया है, एंटी लेबर रवैया है, उसे वापस लिया जाए और उस रवैये को ख़त्म किया जाए। तो ये तीन बड़ी मांगें। उसके अलावा जो चौथी बड़ी मांग यहाँ पर है कि हर 5 साल में जो कर्मचारी हैं और जो न्यूनतम मेहनताना है उसे रिवाइज किया जाए। इसके अलावा जो केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन है उसे भी यहाँ पर रिवाइज किया जाए। साथ में ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के संबंध में आदेश जारी किया जाए और 8वें वेतन आयोग की नियुक्ति भी यहाँ पर की जाए, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2021 से ही 8वें वेतन आयोग का लाभ दिया जा सके। तो ये भी बड़ी मांग यहाँ पर उठाई गई है। और उसके अलावा जो मंत्रियों के समूह के द्वारा ये कहा गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों को के न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से ही मकान किराए भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जिसको कि सरकार के द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है, इसको भी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। और केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस का भुगतान करने का फायदा भी दिया जाए। इसके अलावा जो अगली मांग यहाँ पर उठाई गई है वो ये है कि एमएससीपी के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो वेरी गुड बेंचमार्क सरकार के द्वारा लागू किया गया है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारियों को इसकी वजह से एमएससीपी का लाभ नहीं मिल रहा है। उसके अलावा सभी केंद्रीय कर्मचारी जो कि 30 जून 2021 या फिर किसी साल के 1 जनवरी को रिटायर्ड हुए हैं, उन केंद्रीय कर्मचारियों को भी एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट पेंशनरी बेनिफिट के लिए दिया जाए। उसके बाद में अगली मांग यहाँ पर उठाई जा रही है वो ये है कि सरकार के द्वारा नई भर्तियों पर जो रोक लगा दी गई है उस बैन को भी उठाया जाए, जिससे नौकरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के जो संतान हैं और जो एक कॉमन मैन है उसके बेटे और बेटी को भी नौकरी मिल सके। तो ये भी मांग उठाई गई है। और अगली मांग यहाँ पर है कि सरकार के द्वारा रेलवे, डिफेंस, प्रिंटिंग और अन्य जो गवर्नमेंट संस्थान है जिनका कि निजीकरण किया जा रहा है उस निजीकरण पर भी रोक लगाई जाए। तो ये छठी बड़ी मांग यहाँ पर उठाई गई है। और सबसे बड़ी मांग कि यहाँ पर जो निजीकरण किया जा रहा है उसको तुरंत प्रभाव से उस पर रोक लगाई जाए।
साथ ही मांग यहाँ पर है कि जो ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारी लगभग 3.5 लाख के आसपास हैं, उनको भी एक रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा दिया जाए, जैसा कि कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिश यहाँ पर की गई है। उस सिफारिश को सरकार के द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है, इसलिए अब तो आगे यहाँ पर कहा गया कि सभी ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारियों को एक रेगुलर केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उसके अलावा ऐसे केंद्रीय कर्मचारी नहीं, ऐसे कैजुअल वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स जो कि सरकारी नौकरी में 1 सितंबर 1993 के बाद में आए हैं, उनको भी रेगुलराइज किया जाए, यानी उनको भी एक नौकरी के नौकर का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा जो नौवीं बड़ी मांग है यहाँ पर कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के कोविड-19 के भुगतान से संबंधित जो इश्यूज हैं, जैसे कि कहीं पर उनको ज़्यादा पैसा चार्ज कर लिया गया है, उसको भी तुरंत प्रभाव से उसका समाधान किया जाए। और इसके अलावा जो केंद्रीय कर्मचारी लॉकडाउन होने की वजह से फंस गए थे, उन केंद्रीय कर्मचारियों का जो एब्सेंस का पीरियड है उसे पूरी तरीके से ऑन ड्यूटी माना जाए। और जैसे केंद्रीय कर्मचारी जिनका कि इसकी एब्सेंट होने की वजह से सैलरी रोक ली गई है, उनकी सैलरी काट ली गई है, उसका भुगतान भी केंद्रीय कर्मचारियों को किया जाए। इसके अलावा जिन केंद्रीय कर्मचारियों ने अपनी जान कोविड-19 महामारी की वजह से खो दी है, उनकी फैमिली को भी 20 लाख रुपये का मुआवजा तुरंत प्रभाव से दिया जाए। 10वीं बड़ी मांग यहाँ पर कि समान काम के लिए समान वेतन का जो फॉर्मूला है उसे लागू किया जाए, और जो पे स्केल्स में कुछ विभिन्नता हैं उनको भी जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। और 11वीं बड़ी मांग यहाँ पर है कि जो पेंशन डिवीजन का जो फॉर्मूला है उसे सभी केंद्रीय कर्मचारी और खासतौर से जो ऑटोनोमस बॉडीज के पेंशन भोगी हैं और कर्मचारी हैं उसके लिए भी लागू किया जाए, और लागू करने के बाद में जो एरियर बनता है यहाँ पर उसका भुगतान भी बिना किसी डिले के सभी जो ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं उनको किया जाए। और फिर यहाँ पर जो ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉय हैं जिनका कि बोनस वर्ष 2016-17 से अभी तक लंबित है, उसका भुगतान भी उन्हें किया जाने के लिए लगभग 4 से 5 साल का जो बोनस है जो कि ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉयज को नहीं मिला है, उसका भुगतान भी उन्हें किया जाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट मांग यहाँ पर है कि जो अनुकंपा नियुक्ति पर सरकार ने 5% का सीलिंग जो लगाया हुआ है उसे भी हटाया जाए, जिससे जो इलिजिबल केसेस हैं उनको नौकरी मिल सके। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण मांग यहाँ पर गई है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर सालों बीत गए हैं लेकिन परिजनों को अभी तक भी नौकरी नहीं मिल पाई है, तो ये 12वीं और महत्वपूर्ण मांग यहाँ पर उठाई गई है। इसके अलावा ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों को कम से कम उनके कैरियर में 5 टाइम बाउंड प्रमोशन उन्हें दिया जाए, जिससे उनको भी एक अच्छा कैरियर मिल सके। उसके बाद में 14वीं और अंतिम मांग यहाँ पर उठाई गई है कि जो JCM के साथ में सरकार ने जो समझौता किया है, जो नेगोशिएशन किया है, जो कि विभिन्न प्रकार की कर्मचारियों की मांगे हैं उनको भी अभी तक नहीं माना है, तो उनको भी जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। तो इस तरीके से इन 14 मांगों को लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण चार्टर ऑफ डिमांड कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के द्वारा जारी किया गया है, और इन्हीं सभी मांगों को लेकर 23 और 24 फरवरी 2022 को केंद्रीय कर्मचारी और कर्मचारी संगठन देश भर में 2 दिन का देशव्यापी हड़ताल करने वाले हैं।